सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आज का वीडियो आप लोग जो कि थंबनेल देख के समझ गए होंगे, तो जी हाँ गाइस, आज जो स्पीकर हम बिलासपुर से मंगाए हुए थे उसको इसी फ्रंट बेस में टाइट करने वाले हैं, जो कि हम अभी फ़िलहाल एक आध सप्ताह पहले दो की मेट ले आए हुए थे नया, और हमारे पास पहले से 6 था गाइस, इसका मतलब टोटली 8 बेस हो गया था। तो दो पीस इससे पहले जो लाए हुए थे गाइस उसमें, और अभी जो लाए हुए थे वो चारों में हम नया स्वीटोन का जो कि स्पीकर डालेंगे गाइस, जो दो क्यूबिनेट पहले था और अभी दो क्यूबिनेट लाए जो कि न्यू है चारों गाइस, इसी में हम लोग फिट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। जैसे गाइस आप लोग देख रहे होंगे, ये दूसरा क्यूबिनेट न्यू क्यूबिनेट गाइस, ये इसी में हम ये स्वीटोन का PT 1500 वाट का जो स्पीकर है हम टाइट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख ही देंगे, इसका हम जाली वाली खोल लेते हैं, फिर आप लोग से डिटेल्स बातें करते हैं, और साथ में आप लोग को वीडियो पे साउंड टेस्टिंग भी हल्का सा देखने को मिल जाएगा, और अगर आप लोग को पूरा फुल साउंड टेस्टिंग चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा इस। और गाइस ये स्पीकर काफ़ी तगड़ा है, 5 इंची वो इस कोइल में है, इसे हम मंगवाए हुए हैं। हम इसे टाइट करेंगे, उसके बाद आराम से साउंड खोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा शुरू में खोलने से इसका जो है वो पेपर ढीला नहीं हो पाता है, और साथ में जो इसका कोइल को है वो लोड पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है गाइस। और फाइनली ये खुल चुका है, इसमें हम कहेंगे कि कंट्रोल का सिस्टम दे रहे हैं गाइस, जैसे आप लोग देखते हो छेदा करके सेट कर रहे हैं, ये बनवाया हुआ कैबिनेट है इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, हम लोग खुद छेदा करके बना रहे हैं गाइस ड्रिल से, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे काफ़ी तगड़ा स्पीकर, इसलिए हम कहेंगे कि कंट्रोल सिस्टम इसमें डाल रहे हैं गाइस। और फाइनली ये रहा स्पीकर हमारा, हम इसको फिट कर रहे हैं, इसका जो है वायर डाल रहे हैं गाइस स्पीकर में, जैसे कि देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा स्पीकर है ये, कुछ इसी टाइप से हम जोड़ रहे हैं। हम ये स्पीकर को एलएन की नट बोल्ट सिस्टम से कस रहे हैं, हमारे पास जितने भी बेस सब में एलएन की नट बोल्ट सिस्टम डाले हुए हैं, क्योंकि ये जो इसका प्रेशर काफ़ी तगड़ा रहता है तो नट ढीला हो जाता है, इसके कारण फिर साउंड भड़कने लगता है, इसलिए हम सब में एलएनकी ही यूज़ करते हैं बेस में खासकर। तो कुछ इसी टाइप से एलएनकी है गाइस, जिसे आप लोग देख रहे होंगे हम लगा रहे हैं गाइस, और काफ़ी टाइट करेंगे इसको। हम तो इसमें अच्छे अच्छे तक किए हुए हैं, आप 4 में भी चला सकते हैं, 4 नट एलन की डालेंगे तो भी चल जाएगा इस, लेकिन हम 6 कर लिए हैं। ये जो कि फ्रंट बेस है गाइस, जिसमें हम स्पीकर कस रहे हैं, जो कि हमारे पास पहले 6 था और हम 2 ले आए हैं, मतलब 8 पीस हमारे पास ये बेस हो गया है, इसमें से हम 4 पीस कैबिनेट में यही स्पीकर डाल रहे हैं, फिर बाद में 4 पीस में और डाल लेंगे गाइस। अभी हम साउंड सुन लेते हैं कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद 4 पीस और मंगा के डाल लेंगे। और ये फर्स्ट तो हो गया है, सेकंड कैबिनेट गाइस जैसे आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा हम लोग को देख के लगा स्पीकर, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख ही लेंगे स्पीकर का पूरा डिटेल्स और प्राइस भी गाइस, ये तो स्पेशल फिटिंग वीडियो है। ये रहा एक पीस फिटिंग हो चुका है, अब इसका वायर को हम काट लेते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा लंबा ही रखते हैं क्योंकि पेस दूर दूर लगता है तो छोटा पड़ जाता है। और फाइनली ये हमारा पुराना बेस जो कि पहले लाए हुए थे गाइस, इसका स्पीकर हम खोल लिए, क्योंकि इसमें पहले सस्ता स्पीकर डला हुआ था कमज़ोर, और हम इसमें तगड़ा वाला डाल रहे हैं। पहले इसमें जो कि पी ऑडियो का स्पीकर डाले हुए थे गाइस 1200 वाट का, और अभी हम 1500 वाट का स्वीटोन का स्पीकर डाल रहे हैं गाइस, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी एलएन की नट बोल्ट सिस्टम दिया हुआ था, हम पहले ही कर लिए थे इसमें नट बोल्ट
एलेंकी का सिस्टम, तो हमें मेहनत करना नहीं पड़ा फिलहाल इसमें अभी। और एलेंकी नट बोल्ट सिस्टम लगाने में काफ़ी मेहनत लगता है गाइस, कुछ इसी टाइप से जो कि लग रहा है हमारा स्पीकर। और ये एलेंकी से टाइट हो रहा है फिलहाल गाइस, कुछ इसी टाइप से। ज़्यादा आदमी है तो हम जल्दी हो रहा है गाइस, क्योंकि इधर अभी आधा काम हो रहा है, उधर भी आधा काम, हर बेस में भी काम चल रहा है गाइस फिटिंग का। आप लोगों को सबका दिखाई रहेंगे आप लोग वीडियो पे, और जैसे कि आप लोग देख ही रहेंगे। और फाइनली गाइस ये रहा हमारा दूसरा क्रिमेट, एक तो हो गया और ये और एक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें भी स्पीकर फिट हो रहा है। ये चौथा बेस कैसे से आप लोग देख रहे होंगे, सब में काम चल रहा है क्योंकि हम ज़्यादा आदमी हैं, तो सब जल्दी के कारण हम जल्दीबाजी के कारण हम जो कि टाइट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइट कर रहे हैं लेंकी के साथ, क्योंकि ये काफी पावरफुल स्पीकर है। इस टाइप से लैंकी नट बोल्ट के लिए मिलाया जाता है स्पीकर को, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे ये टाइट हो रहा है लैंकी। कुछ इस टाइप से, तो आप लोगों को साउंड टेस्टिंग फुल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा, फुल साउंड टेस्टिंग उसमें रहेगा गाइस, काफ़ी तगड़ा साउंड के साथ। अभी तो हम हल्का सा आप लोग को लास्ट में दिखाई ही देंगे साउंड क्वालिटी की किस टाइप से आ रहा है, किस टाइप से लंकी टाइट होता है गाइस। और फाइनली गाइस सब होने ही वाला है फिटिंग, हम जाली बाद में आएंगे, पहले आप लोग को साउंड टेस्टिंग सुना देंगे, उसके बाद सब होने ही वाला है। दो पीस हो गया है और दो पीस होने ही वाला है गाइस, उधर भी चल रहा है इधर भी, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। सो फाइनली हो चुका है हमारा रेडी, अब हम इसमें दो टॉप और चार बेस और 6 HF लगा रहे हैं आप लोग को साउंड सुनाने के लिए, कुछ ही टाइप, कुछ इसी टाइप से है गाइस। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फुल साउंड टेस्टिंग देखने को मिल जाएगा, इसमें हम आप लोग को हल्का सा दिखा देते हैं लास्ट में, तो कुछ इस टाइप से वायरिंग हो रहा है गाइस, जिससे कि आप लोग देख रहे होंगे वायरिंग का काम चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फुल साउंड टेस्टिंग देखने को मिल जाएगा, और इसमें हम हल्का सा आप लोग को दिखा देंगे साउंड की लास्ट में कैसा आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफी तगड़ा लुक हम लोग को देखने को मिल जा रहा है इस बेस में। और फाइनली ये